जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख सुख में स्टेबिलिटी कायम करना, पॉजिटिव रहना, ये बड़ी बात होती है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है, आज कमेंट में भी आई है और व्हाट्सएप पर तो लगातार, दीदी आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो, चैनल में फिर से कोई दिक्कत हुई क्या, आप रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप कहाँ हो इतने दिन से, हम आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बोला है, जो दोपहर में हमने कैंडल वैक्स रीडिंग की है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो सबकी शिकायतें थी, चलिए बताते हैं। जब चैनल हैक हो गया था तो हम थोड़ा परेशान हो गए थे। होता है ना, स्वाभाविक होता है कि किसी का इतना बड़ा परिवार हो, जहाँ पर इतना प्यार हो और हम उनसे इस तरह अलग होते हैं तो क्या फील होता है अंदर से। फिर उसके बाद फिर नवरात्रि भी आ गई थी तो हम अनुष्ठान कर रहे थे। अच्छा, हर बार अनुष्ठान में ये होता था कि हम शाम को रीडिंग करते थे, लेकिन इस बार हमने पूरा 9 दिनों का मौन व्रत भी रखा हुआ था। जैसे हम व्रत रखते हैं और 24,000 मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन इस बार हमने मौन व्रत, मतलब 9 दिनों तक हम बोले ही नहीं, लाइक समाधि टाइप, बिल्कुल इस तरह से हम साधना कर रहे थे। तो ये साधना हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और आप सभी के लिए, बहुत सारी प्रेयर्स भी की हमने यूनिवर्स से, माँ भगवती से, कि आप सभी लोग हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि आप सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप सब हमें इतना प्यार देते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक अच्छी सी साधना, इसे कठोर साधना तो नहीं बोल सकते, कठोर तो और कठोर करें तब बड़ी बात है, तो हम वो कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में और कहा है कि हम आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कहा है। हाँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी हम 1-2 दिन में आपको क्लियर कर देंगे कि हम पर्सनल रीडिंग कब से करना शुरू करेंगे। एक्चुअली अभी हम थोड़े दिनों के लिए बाहर मेडिटेशन का एक इवेंट है ऋषिकेश में, हम वो ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम वही सोच रहे हैं कि हम, पता नहीं, आज कल 2-3 दिन में कभी भी चले जा सकते हैं, फिर आप बुक कर दो, फिर आप हमसे बार बार बोलो कि दीदी रीडिंग क्यों नहीं की, दीदी रीडिंग क्यों नहीं, आपने तो डेट दी थी, फिर वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें अच्छा लगेगा। इसलिए आप बिल्कुल सांत्वना रखिए अपने अंदर। अभी हमने इतनी सारी ऊर्जा एकत्रित कर ली है इस 9 दिन के अनुष्ठान में, अभी हम ऋषिकेश से साधना करके आ जाएँ तब हम और भी ज़्यादा ऊर्जान्वित होकर आएंगे। उसके बाद पर्सनल रीडिंग करवाना, फिर देखना कि उसकी बात ही कुछ अलग होगी, है ना। तो इसीलिए सब्र करिए, रुक जाइए, हमें पता है आप सब हमसे बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हम भी आप सब से बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, और ये प्यार ऐसा है कि हम कभी भी शब्दों में तो बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते, बस नहीं बोल सकते। तो अभी हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम उनके बारे में बता सकते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। अब ये वो कौन है, ये आपके वो जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनको सोचकर आप एक ऑप्शन चुनने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो भी है, जो भी हो सकते हैं, किसी का भी नाम सोचकर आप एक ऑप्शन चुनिए। लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मनी मन में उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला चुन कर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखाते हैं आप लोग और आगे भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन क्या है, हमारे साथ आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिनको सोचकर आपने ये ऑप्शन नंबर 1 चुना है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते भी हैं या फिर नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन मेष सिंह धनु राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है बट थोड़ा सा कम है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, ये एनर्जी थोड़ी सी कम है। अच्छा, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ मार्च, अगस्त, नवंबर, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल आई एस टी वाई के एन वी डी एस पी आर जी एल बी और यू, ठीक है। ये उनके नेम का इनिशियल हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू बताती है, थोड़ा सा आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा क्या बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की हमको वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की हमको वजह मिल गई है क्योंकि बड़ी बेवजह
जिंदगी जा रही थी। आपके आने से ना इनको एक ज़िंदगी के मायने मिले हैं। आपके मिलने से इनकी ज़िंदगी में रंग बिखर गए हैं। इनकी ज़िंदगी में इन्हें जीने की वजह मिल गई है, वरना ये इतना टूटे हुए थे कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी से मिलकर ज़िंदगी में इतना सुकून भी मिल सकता है। समझ रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मतलब कि आपकी जो सादगी है, आपकी जो सरलता है, वो हर पल मुझे आपकी तरफ आकर्षित करती है। और पता है, मेरा दिल कहता है कि इस पूरे जहान में आप सबसे अलग हो, आप बहुत यूनिक हो। मुझे पता है कि आप बहुत बेस्ट हो, मेरा दिल कहता है। अच्छा, एक बात बताऊँ, कुछ लोग ना आपके बारे में मुझसे भला बुरा भी बोलते हैं कि भाई संभल कर रहना, वो ऐसी, वो वैसा, वो ये, वो। लेकिन जब मैं आपके साथ होती हूँ या फिर आपसे बात करती हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है। जैसे कि कुछ लोगों का बातचीत करना एक अजीब सा एहसास कराता है, लेकिन आपसे बातचीत करना एक अपनेपन का एहसास कराता है। सच, अपनेपन का एहसास कराता है। पता है, जैसे कि जो मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं, जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, या फिर जो जगह घूमना फिरना मुझे पसंद है, अब मैं वहाँ आपके साथ जाना चाहता हूँ, आपके साथ जाना चाहती हूँ। और पता है, जो मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं, फिर जो आपकी हैं, मैं वो आपके साथ देखना चाहता हूँ। ये मेरा मन है। मतलब मुझे अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि कहना चाहते हैं कि आपके साथ मूवी देखना, आपके साथ घूमना फिरना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराते हो, आप मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हो, जो कि आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं कराया है। मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरी भी कोई अहमियत है, मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है। आज तक ना अपनों ने, ना गैरों ने, ना रिश्तों ने, किसी ने एहसास ही नहीं कराया जो एहसास आपने मुझे दिया है। इस एहसास को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकती। लोगों ने मुझे आंसू बहुत दिए हैं, दर्द बहुत दिया है, हंसाया भी है, लेकिन उनके जो हंसाने की कीमत थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जितना हंसाया था, उससे 100 गुना ज़्यादा रुलाया है मुझे। तो इस वजह से कोई और हंसाए फिर से मुझे, मैं वो मौका ही नहीं देना चाहती थी किसी को, मौका ही नहीं देना चाहता था किसी को। मैं किसी और की वजह से अब हंसना ही नहीं चाहती थी, हंसना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उसकी कीमत पता है। पता नहीं आप कैसे ज़िंदगी में आए, ईश्वर का क्या चमत्कार है। मैं भागती रही, भागता रहा, आपसे भी भागती रही, पर भाग कर भी कहीं भाग न सकी, भाग कर भी कहीं भाग न सका। दिल आपकी तरफ खिंचता चला गया, वरना मैंने तो दुनियादारी से मुँह ही मोड़ रखा था। लेकिन पता है, अब आपके लिए जीने का मन करता है, अब आपके लिए हंसने का मन करता है, आपके लिए बहुत मेहनत करने का मन करता है। आपने मुझे बहुत ज़्यादा हील किया है।
आपने मुझे सकारात्मक किया है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे कर्म खराब हैं कि मुझे इतने बुरे बुरे लोग मिलते हैं, या फिर क्या बिगाड़ा है मैंने ईश्वर का, क्या बिगाड़ा है मैंने किसका, मुझे ऐसा लगता था। पर मैंने कहीं सुना था कि जब कर्मा क्लियर हो जाते हैं, कर्मों की क्लिनजिंग हो जाती है, तो ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग मैनिफेस्ट होते हैं, और ये बात अब बिल्कुल सही मालूम पड़ती है। सच बताऊँ बिल्कुल सही सही मालूम पड़ती है, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लगा है आपसे मिलकर कि हाँ वाकई मेरे कर्मा क्लियर हो गए हैं, मेरे कर्मों की क्लिनजिंग हो गई है, और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि आपके साथ ना ऐसा फील नहीं होता कि जैसे गैर लोग होते हैं, मतलब से रिश्ते रखते हैं, आप जैसे कि मेरा अंग हो, जैसे कि कोई किसी का अर्धांग होता है ना, अर्धांग अर्धांगिनी टाइप, मतलब कि हर पल पल पर मुझे सजेशन देना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, जैसे कि अच्छा बुरा चूज़ करने में, अच्छी बुरी जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, मुझे मदद करते हो, मेरी हेल्प करते हो, मैं किस रास्ते पर जाऊँ, क्या करूँ, क्या मेरे लिए सही होगा, क्या बताऊँ। ये जो स्माइल है ना मेरे फेस पे जो आई है ना, आप हो इसकी वजह। हाँ, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मैं आपको देना चाहती हूँ, आपको देना चाहता हूँ। ये सिर्फ आपकी वजह से मिली है मुझे दोबारा से। पहले किसी ने हंसाया था पर बहुत रुलाया है, लेकिन अब तो आपने मुझे फील कराया कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, और मैं प्यार करने के लायक हूँ। वरना लोगों ने तो पहले रिश्ते रखे, उसके बाद जब मन भर गया, जब टाइम पास हो गया, तो फिर मुझमें ही कमियां निकाल कर चले गए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों आप पर दिल जान लुटाने को जी चाहता है, मतलब मन करता है कि आंखें बंद करके बस आपका हाथ पकड़ के कहीं दूर चला जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं। जिसे लोगों के सपने होते हैं ना कि मुझे ये लेना है, मुझे ये बनना है, मेरा ये एम है, मेरा ये उद्देश्य है, आपको सच बताऊं आज मेरा क्या सपना है? आपके साथ ज़िंदगी जीना, ये मेरा सपना है। यकीन करेंगे आप, ये मेरा सपना है। हम थोड़ा सा इस कनेक्शन के बारे में बताएं। हमें ऐसा लगता है कि ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हो सकते हैं, आप कहीं ऑनलाइन मिले, तो जैसे कि हो सकता है कि इनसे कभी कोई कहता हो कि आपके कुछ हो सकते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, जो बोलते हो कि अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, ऐसा बोल रही थी। ये आप पर ना आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, ये पता है लोगों से बोलते हैं कि दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कह सकती है, मेरा बुरा कर सकती है, पर वो एक ऐसा शख्स है जो मेरा कभी बुरा नहीं चाहता, जो मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता, जो मेरे पीठ पीछे कभी मेरे बारे में नहीं बोल सकता। हाँ, और ये जो मेरी ज़िंदगी अर्थपूर्ण हुई है ना, मीनिंगफुल हुई है, उसकी वजह से हुई है। आज जो मैं हूँ उसकी वजह से हूँ, और मुझे पता है वो बहुत सच्ची है, वो बहुत सच्चा है, और वो मेरे लिए बहुत लॉयल है। आपके लिए इस तरह की बातें करते हैं लोगों से, पता है बहुत खुश हैं, जैसे ही बहुत खुश हैं, क्योंकि जब तक इंसान को धोखे नहीं मिलते ना, उसे सच्चे प्यार की अहमियत नहीं होती है, उसे पता नहीं चलता कि सही क्या गलत क्या। जब तक ज़िंदगी में दुख नहीं आता, हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, भाई ये सुख है। जैसे कि जब तक हम कोई ठंडी चीज़ नहीं छुएंगे, तो हमें गर्म चीज़ क्या है उसका पता नहीं चलता। ऐसे ही अगर इनकी ज़िंदगी में इतने दर्द इन्हें नहीं मिलते, तो इन्हें शायद आपकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता, इन्हें शायद आपका प्यार इतना समझ नहीं आता, आपका जो प्यार है इसे वो समझ नहीं पाते। पर अब इस तरह से समझ गए हैं कि ये आपको कभी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते। और पता है,
कहीं ना कहीं आपसे बहुत अट्रैक्ट भी हैं। कुछ लोगों के लिए हम बताएं इधर शायद एज डिफरेंस इशू है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, लेकिन ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। मतलब कुछ भी कर गुज़रने की हिम्मत है इनके अंदर, कुछ भी कर गुज़रने का साहस और जज्बा रखते हैं आपके लिए, ये समझ लीजिए। क्योंकि आपको लेकर अब बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सकारात्मक हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और जितना रोना था रो लिया, जितना डरना था दुनिया वालों से डर लिया। अब इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिश्ता मुझे मिला है तो दुनियादारी की वजह से मैं इसे खो दूँ, तो ये आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं। और ये आपको ना अपने लिए एक परफेक्ट इंसान समझते हैं, इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत बहुत अच्छे हो और आप इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दोगे, आप इनकी खुशियों का, छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, हर तरह से आप इन्हें समझते हैं। और किसी इंसान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार, रिस्पेक्ट, केयर और समझना, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कनेक्शन में। तो इस तरह से अच्छा हमें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि जस्टिस लवर इंसान हैं, फीलिंग्स को समझने वाले इंसान हैं, आप लोगों के जज्बातों की कदर करते हैं। आजकल लोगों के पास समय नहीं है लोगों को समझने के लिए, अपनों को समझने का समय नहीं है लोगों के पास, लेकिन आप किसी की भी बात हो सुनते हैं, समझते हैं और अपने स्तर पर उसे एक सांत्वना देते हैं, उसे एक समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आपसे बहुत बहुत प्रभावित हैं ये, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं ये। इस तरह की बातें ये आपसे कहना चाहते हैं, इस तरह की बातें ये आपसे बोलना चाहते हैं। दिल तू जान तू, जीना मरना साथ मैंने तेरे, तू ही है आरजू, तू ही है आरजू, तू ही है आरजू। ना किसी की चाहत थी, ना ही कोई सपना था, चारों तरफ तन्हाई थी, कोई भी ना अपना था। मेरा सपना सजाया, मुझे अपना बनाया, करूँ कैसे तेरा शुक्रिया। दिल तू जान तू जहान तू, जीना मरना साथ मुझे तेरे, तू ही है आरजू, तू ही है आरजू, तू ही है आरजू। अच्छा हम बताएं, आप जो हैं, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आपको नंबर 3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दिख रहा होगा, डेफिनेटली दिख रहा होगा। और कुछ लोगों को नंबर 9 दिख रहा है, कुछ लोगों को नंबर 1 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रिपीटेड नंबर्स हो सकते हैं, फिर सिंगल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको नंबर 1 दिख रहा है तो उनसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और जिनको 9 नंबर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपकी ज़िंदगी कंप्लीशन की ओर है, इनके साथ ही कंप्लीट होने वाली है। और जिनको नंबर 3 दिख रहा है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपको जिस तरह के इंसान की ख्वाहिश थी, मतलब कि जिस तरह का इंसान आपको चाहिए था, अगर आप मतलब आप इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि ये तो आप पर मर मिटे हैं, तो अगर आपको चाहिए था एक ऐसा इंसान जिस तरह के ये हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो पहले से बहुत टूटा हुआ होता है ना, वो फिर कभी किसी को तोड़ता नहीं क्योंकि वो खुद भी टूटने का दर्द समझता है, समझ रहे हैं। तो ये आपके जज्बातों की कदर करेंगे और आपका हमेशा साथ देंगे, क्योंकि हर हाल में ये आपके साथ बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, और इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि आप इनका साथ, इनका हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच बताएं, यहाँ पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। जिस इंसान को कभी ज़िंदगी में परिवार से, प्यार से, रिश्तेदार से, दोस्तों से कभी वो प्यार, वो अहमियत ना मिली हो, और हम अगर किसी को थोड़ा सा भी प्यार दे देते हैं ना, तो उसके लिए बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत होता है।
तो आप जो भी इन्हें दे रहे हैं वो इनको बहुत ज़्यादा लगता है, और इसीलिए इनको लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, आप इन्हें बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं, और तभी आपके साथ जीना और मरना चाहते हैं। ये सारी बातें आपसे बोलना चाहते हैं, हर हाल में आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपके लिए हर हद तक गुजरना चाहते हैं। ठीक है, तो डियर हमने आपको बताया कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं? ये जो वो हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चुना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, बहुत स्ट्रांग जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपका साइन हो सकता है, उनका भी हो सकता है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस के एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है किसी महीने की 16 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, अगस्त बहुत स्ट्रांग है, मई, फरवरी। ठीक है, इनिशियल बता देते हैं, पी आर जे एन यू एच जी सी एस डी वी एन वाई के एल बी। ठीक है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं? आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। ठीक है, दिल नहीं इख्तियार मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा, आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ,
कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करता हूँ। कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फील हो रहा है इन्हें कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है। इनकी हरकतों की वजह से इन्होंने आपको इतना इतना दर्द दिया है, इतनी चोटें पहुंचाई हैं, इतने विश्वासघात किए हैं, इतना खेल खेला है आपके साथ कि इनके कर्मा इन्हें दंड दे रहे हैं, इनके कर्मों का इन्हें फल मिल रहा है। और पता है, ये खेल खेल कर इनकी ज़िंदगी एक खिलौना बन गई है। तभी कहते हैं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। बोलना चाहते हैं, दिल नहीं इख्तियार में मेरे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे इंतज़ार में मेरी जान ही ना निकल जाए, मैं मर ही ना जाऊं। तुझसे मिलने की आस है, आजा, मेरी दुनिया उदास है, आजा 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 आजा। बहुत बेचैन हूँ, बहुत बेबस हूँ, जैसे कि चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, कुछ तो बदतमीजी में, कुछ बेबसी में। मैं हमेशा गलत नहीं थी, ट्रस्ट मी। पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन लादा हुआ है। पता है, जब तुम्हारा ख्याल आता है तो ऐसा लगता है कि सारे बंधन तोड़ ताड़ के, ये सारे बर्डन जो, इनको भी देखो, उनको भी देखो, ये देखो, वो देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो, कभी कभी लगता सब छोड़ कर तुम्हारे पास चला हूँ। मुझे पता है मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी ऊपर बर्डन लेके घूम रही हूँ, पर अब ऐसा लगता है कि खो दिया है मैंने तुम्हें। मैंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं, तुमसे बहुत झूठ बोले हैं मैंने, बहुत कुछ छुपाया है तुमसे, खिलौने की तरह तुम्हारा दिल तोड़ दिया मैंने। जैसे कोई खिलौना तोड़ देता है ना, वैसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। मैंने इस रिश्ते में बहुत पॉलिटिक्स की है। कहते हैं कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। खुश हो जाओ, मैं अपने कर्मों की फसल काट रहा हूँ। तुम कहते थे ना तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, मिल रहा है मुझे। अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। हमने जिनके लिए इतना कुछ किया, अपने परिवार के लिए, घर संसार के लिए, माता पिता के लिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ किया मैंने, वो मेरी जिम्मेदारी भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि अब मैं बहुत अकेला हूँ। और जब मेरे पास महफिलें होती हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो महफिलों में भी तुम्हारी याद आती है, बहुत याद आती है। लेकिन जब याद आती है ना, तो मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती है कि किस मुंह से बात करेगा तू उससे,
किस तरह से उससे नज़रें मिलाएगा, किस तरह से तू उससे बात करेगी जिसने तुझे इतना चाहा, तुझे इतनी प्रायोरिटी दी, इतना प्यार दिया, और तूने उसके साथ क्या किया। तो सच बताऊँ कि मन ही मन में मेरा जो सर है ना, शर्म से झुक जाता है अपने आप ही। अब किसी से कह थोड़ी सकते हैं ये बात। तो तुझसे मिलने की आस है आजा, क्योंकि मेरा मुंह नहीं कि मैं तुझसे मिलने आऊँ, मेरा मुंह नहीं कि मैं तुझे कांटेक्ट करूँ। तुझसे मिलने की आस है आजा, मेरी दुनिया उदास है आजा, क्योंकि आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज समझी हूँ प्यार को शायद। हर घड़ी बेकरार रहती हूँ, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ। कल मेरा इंतज़ार था तुझको, और आज मैं इंतज़ार करता हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में तुम नहीं हो, मेरी किस्मत में तुम नहीं हो, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। अपनी गलतियों का बहुत अफसोस है मुझे, बहुत गिल्ट है मुझे। पता है मेरी ज़िंदगी कैसी है, मैं रोना भी चाहूँ ना तो मैं रो नहीं सकता, मुझे रोने का भी हक नहीं है, मुझे रोने का भी अधिकार नहीं है। मुझे इस दुनिया में एक झूठी मुस्कुराहट लेकर जीना पड़ता है, सच बात है, ये पक्की बात है। तुम्हें क्या लगता है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, तुम्हें क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है सब और मुझे पता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रही हो, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारी नज़र मुझ पर ही है, लेकिन तुम मेरी मुस्कुराहट को देखकर तुम्हें यही लगता होगा कि भाई वो तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हारी बद्दुआएं काम करती हैं, डोंट वरी। अगर तुम मुझे बद्दुआएं देकर खुश हो तो खुश रहो, पर खुश मैं भी नहीं हूँ। पर हाँ, मैंने अब सब कुछ ना, अब तुमसे बात करने का कोई ज़रिया तो है नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, मैं भगवान से बातें कर लेता हूँ, मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ईश्वर से हर घड़ी यही प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि सब अच्छा हो जाए। हाँ, पहले मुझे मेरे कर्मों का फल दे दो, मुझे माफ़ मत करो, मुझे मेरे कर्मों का फल दो, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ मिलना चाहिए। मुझे याद आता है कि हमारे बीच की वो बातें, मुझे याद आता है वो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक दूसरे के प्रति एक कैरिंग कनेक्शन। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, और किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। डियर, हम अब थोड़ा सा बता देते, पहले अब बहुत बुझ गई, ये बहुत स्ट्रेस की स्थिति में है, और इधर सेपरेशन की स्थिति है। हमें ऐसा लगता है या तो इन्होंने किसी से शादी कर ली आपको छोड़ छाड़ के, आपको धोखा देके, और या तो इन्होंने फैमिली का बहाना बनाया, आपसे दूरियां बना ली किसी थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन ये चार दिन वाले जो दिन होते हैं ना, वो सिर्फ चार दिन ही रहते हैं, पाँच दिन कभी नहीं रहते, चार दिन ही रहते हैं, और चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अब इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल अंधेरी रात चल रही है, और अंधेरी रात इतनी भयंकर है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी कहते हैं वही दो जो आप सह सको, वही बांटो जो आपको जब दोबारा वो रिटर्न मिले ना तो आपको बुरा ना लगे, वही दो जो आप ले सको। इन्होंने जो आपको दर्द दिया है वो आप इनको कहीं और से मिल रहा है, तो अब इन्हें आपकी याद आ रही है, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं। अब इनके दिमाग की बत्ती जली है,
लेकिन दिमाग की बत्ती अब जली है इनकी। अब इनका दिमाग काम करता, अच्छा ये बात, अच्छा हाँ उसने मुझसे कहा था कि एक दिन ऐसा होगा। अब ये पीछे जा रहे हैं, हर एक बात आपकी याद कर रहे हैं और रो रहे हैं, जैसे सब बिखर गया हो, सब खो गया हो, सब लूट गया हो, सब बर्बाद हो गया हो, अब कुछ नहीं बचा। हाँ, हिम्मत भी टूट गई, ताकत भी टूट गई, और क्या बोलते इसे, आइसोलेशन की स्थिति में, हाँ आइसोलेशन की स्थिति में ही है ये। हाँ, दिखा नहीं सकते, रोना चाहें रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, वो वाली स्थिति है। और हमें लगता है ना इनके आसपास कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा है, जो अपने अपने बारे में सोचते हैं, और इनको एक ना क्या होता है, इनको एक साधन समझ रखा, लाइक जैसे कोई किसी को इस्तेमाल करता है ना बहुत बुरी तरीके से इमोशनली, जब भी दूर जाने की बात करते तो बस इमोशनली ड्रामा क्रिएट कर देते हैं इनके अपने, ये वो अच्छा ऐसा अच्छा वैसा, तुम भूल गई तुम भूल गए, तो इस तरह की बातें। तो जैसे कि इन्हें इनके हिसाब से ज़िंदगी जीने का इन्हें हक ही नहीं मिल रहा है, इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना बर्डन लदा हुआ है कि क्या बताएं। लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी इनके कर्मा क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इनको भी अब होता है ना, कर्मा दो तरह से क्लियर होते हैं, या तो ध्यान साधना से क्लियर कर लो, और या तो अपने कर्मों का भुगतान करके क्लियर करो। जी हाँ, तो इनके कर्मों का भुगतान हो जाएगा जल्दी, और जब इनके कर्मा क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर ये दाएं बाएं नहीं करेंगे, फिर भागेंगे नहीं आपसे दूर ये, और ये वापस आएंगे। इनकी पूरी इच्छा है आपके साथ दोबारा हारमोनी में आने की, इनकी पूरी इच्छा है आपके साथ दोबारा न्यू बिगनिंग करने की, इनकी हार्दिक इच्छा है, इनकी दिलो जान से इच्छा है आपके साथ फिर से ज़िंदगी जीने की, फिर से उसी कनेक्शन में आने की। जैसे कि सूख गई जो डाली उसमें फूल नहीं फिर खिलता, लेकिन ये फिर से अपने प्रेम का बीज अंकुरित करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे ये समझ लीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपसे मिलना, आपको कॉल करना, आपको सफाई देना, आपको सब बताना, अभी इन्होंने उन चीज़ों को रोक रखा है, पोस्टपोन कर रखा है कि अभी नहीं, सही समय पर बात करेंगे आपसे, इस तरह की चीज़ें। बाकी हम आपको बताएं कि ये जो सेपरेशन हुआ है, आपको पता है हर बात के पीछे ज़िंदगी में एक रीज़न होता है, कुछ भी यूं ही नहीं होता, ऐसे ही नहीं होता, समझ रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में इनको इनके कर्मों का फल मिलना था, इस वजह से इनका दूर जाना ज़रूरी था, तो ये गए आपसे दूर, और जब जब इन्हें इनके कर्मों का फल मिलना होगा ये आपसे दूर जाएंगे। क्योंकि आप इनको दर्द नहीं देंगे, आप इनके दर्द की वजह नहीं बनेंगे, कोई और इनको दर्द देगा, कोई और इनको तोड़ेगा, इनका दिल दुखाएगा, इन्होंने जो पिछले जन्मों में किया है उसका फल इनको मिलेगा, इस वजह से इनको ये सब कुछ सहना पड़ेगा, कर्मों की वजह से, तो इनको आपसे दूर जाना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि 70% आप लोगों को अलग करने में कुछ एंजल्स का भी हाथ है, कुछ एंजल्स, जैसे कि ईश्वरी तरीके से ये हुआ है, ये जो आपके बीच अचानक से हुआ, जैसे कि अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया, तो इसी वजह से ये हुआ, जिससे जो भी मतलब कर्मा है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोगों के दरमियान एक अच्छी सी शुरुआत हो सके। तो ये क्या क्या बोलना चाहते हैं आपसे, ये तो हम आपको बता चुके हैं, और कैसा कैसा ये कनेक्शन है ये भी हम आपको बता रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का कनेक्शन है, मतलब अभी फ़िलहाल सेपरेशन चल रहा है, बट पहले में चोटी दिखाई नहीं, समझदारी दिखाई नहीं है, और कभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा भी किया है कि
ये दूसरों से फ्लर्ट कर रहे थे तो आपसे बहानेबाजी करते थे, परिवार की, फैमिली की, नौटंकी इधर उधर की, बस इस तरह का। और आप कभी इन्हें भूल क्यों नहीं पाए, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन था बहुत स्ट्रॉन्ग, कई जन्मों का कनेक्शन है, एक दो जन्म का नहीं, कई जन्मों का। और जिनके साथ हम कई जन्मों तक जीते मरते चले आते हैं ना, जीते मरते आते कई जन्मों तक, फिर वो जैसे हम उनकी हरकतों से वाकिफ हो जाते हैं, हमें पता होता है ये जाएगा फिर आएगा, हमें सब बिलीव होता है, अंदर विश्वास होता है। और हम अगर वो ना आए और हम जाने की कोशिश करें तो भी नहीं जा पाते, ये होता है ना। तो डियर यहाँ पर भी ऐसा है, तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी इस कनेक्शन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन जब इनके कर्मा क्लियर हो जाएंगे। ये तो चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ें क्लियर हो जाएं, लेकिन इनके चाहने से नहीं होगा, अब तो इनके कर्मों का इन्हें फल मिलेगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जितना दुख पाएँ उतना अच्छा है, क्यों, क्योंकि जितना दुख पाएंगे उतना ज़्यादा आपकी अहमियत का अंदाज़ा होगा इन्हें, समझ रहे हैं। तो ये होने वाला है इधर, और बहुत जल्दी इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, बस आपको उस दिन का इंतज़ार करना है जब इनके कर्मा क्लियर हो जाएं और ये हर तरीके से मतलब आपके पास आ जाएं, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम ओम साईं राम।